अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी चाहते हैं कि जब भी आप किसी के मैसेज को फॉरवर्ड करें तो वहाँ पे फॉरवर्डेड टैग नहीं आना चाहिए? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी दिखा देता हूँ कि हाँ आखिर कैसे फॉरवर्डेड टैग शो करता है। जैसे मुझे किसी भाई ने मुझे ये मैसेज भेजा, यानी मैंने किसी और नंबर से मैंने मैसेज कर रखा है, एक फ़ोटो उन्होंने भेजा और एक टेक्स्ट भेजा। अगर मुझे ये किसी को भेजना हो तो मैं अगर दोनों को सेलेक्ट करूं और इसको मैं अगर व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करूं इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिएगा क्या नज़र आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ जाएगा फॉरवर्डेड एंड फॉरवर्डेड। तो ये टैग नहीं आने चाहिए, आप वो करना चाहते हैं, यानी वो आपको चाहिए, टिप्स जानना, वो ट्रिक जानना है कि ये फॉरवर्डेड टैग नहीं नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए दो रास्ता है, आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, फॉरवर्डेड टैग को इसको कैसे हटा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से फॉरवर्डेड टैग जो है रिमूव करते हैं। तो सबसे पहला आसान तरीका है कि आप अगर आपके पास में कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को आप कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करके भेजेंगे ना, तो फॉरवर्डेड टैग जो है वो रिमूव हो जाएगा। सबसे पहला तरीका ये है। और अगर फोटोज और वीडियोज हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट ना करके इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा फोटोज या वीडियोज को। उसके बाद में आप सिंपली गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करके, यानी यहाँ से आप सिंपली गैलरी में जाइएगा और यहाँ पर आकर के ऑल मीडिया में जाकर के जो भी आपने व्हाट्सएप अभी जो भी आपको व्हाट्सएप से मिला है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से भेज दीजिए, तो फॉरवर्डेड टैग जो है वो हट जाएगा। सबसे पहला रास्ता ये हो गया। दूसरा है कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि हड़बड़ी में रहते हैं और उस टाइम पर आपको फॉरवर्ड करना ही करना होता है, इस तरीके से जस्ट कॉपी किया आपने फॉरवर्ड कर दिया। तो दूसरा रास्ता क्या है कि दूसरा रास्ता है कि आपको यो व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा, यो व्हाट्सएप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको नहीं पता है यो व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसके अंदर में बताता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यो व्हाट्सएप ओपन कर लूंगा, जो टेक्स्ट है और फोटोज है उसको मैं अगर यहां से शेयर करूंगा तो यहां पे भी मुझे नजर आएगा, यहां पे भी देखिए मुझे नजर आएगा फॉरवर्डेड टैग का। तो इसको मुझे रिमूव करना है, ऑटोमेटिक ये रिमूव कर दो। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे आपको करना क्या होगा, यो व्हाट्सएप में थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा। यहां पर आकर के आपको नजर आएगा FM मोड्स, सिंपली आप स्क्रॉल में क्लिक कीजिए। जैसे आप FM मोड्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सिंपली आप स्क्रॉल में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहा है कि अलाउज यू टू रीसेंड मैसेज विदाउट फॉरवर्डेड टैग, सिंपली इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर दीजिएगा तो आपको इसको बैक करना है तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद में अब अगर मैं इसी मैसेज और यानी इसी टेक्स्ट को और इसी फोटो को अगर मैं भेजूँ फिर से, तो यहाँ पे देखिएगा फॉरवर्डेड टैग जो है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए वो मेहनत मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉरवर्डेड टैग जो है ऑटोमेटिक ही हट गया। तो दोनों रास्ता मुझे उम्मीद आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो इसका आप यूज़ कीजिए, और हाँ इसका आप हमेशा यूज़ मत कीजिएगा, इसको आप अपने फायदे के लिए कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कई बार आप ऐसे करते हैं कि किसी का ऐसा मतलब मैसेज होता है या फिर ऐसे फोटोज़ होते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है आपको, तो आप चाहते उसको किसी को भेज देना, या फिर आप अपना ही फोटो किसी को भेजे हुए रहते हैं किसी और नंबर से, तो वो अगर यहाँ से भेजते तो ऐसा लगता है कि आपने किसी और का मतलब किसी और से लेकर के मंगवा करके आपने भेजा है। तो उस टाइम पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। यानी किसी और के मैसेजेस या फिर वीडियोज़ या फिर फोटोज़ को जो भी चीज़ें हो उसको बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए, बिना सर्च किए हुए, बिना रिसर्च किए हुए किसी को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर फॉरवर्ड करते तो आप उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, तो फॉरवर्ड टैग लगा रहना चाहिए, आप उसी तरीके से शेयर कीजिए, ठीक है? आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर फॉरवर्डर वहां पे लिखा हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो बंदा है या बंदी है वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, आपने जो मैसेज भेजा ये किसी और का भेजा हुआ है, आपने उसको फॉरवर्ड किया है डायरेक्टली, आपने खुद से नहीं भेजा है, ठीक है? तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, वो आपने नहीं लिखा है या फिर आपने मतलब उसको नहीं बनाया, किसी और का बना हुआ है। तो वो ज्यादा आपके बारे में अगर कुछ ऐसा मैसेज भी होगा तो ज्यादा आपके बारे में कुछ अलग वो अपना पर्सपेक्टिव नहीं रख लेगा, ठीक है? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये ट्रिक आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आप फॉरवर्डेड टैग को हटा सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।